वो है पीरियड निकल जाने के बाद, पीरियड खत्म होने के बाद भी अगर आपको ब्रेस्ट में दर्द फील होता है तो ये क्यों होता है, क्या ये नॉर्मल है या फिर किसी बीमारियों के कारण ऐसा होता है, चलिए इस पे बात करते हैं। फ्रेंड्स, महिलाओं को ब्रेस्ट में पेन होना एक कॉमन समस्या है और हर महिला को ये होता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था एक साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पेन के बारे में। साइक्लिक पेन होता है जो आपका पीरियड आने वाला होता है उसके पहले होता है, और नॉन साइक्लिक पेन होता है आपका पीरियड के अलावा भी आपको ब्रेस्ट में पेन होता है। ये ब्रेस्ट में टेंडरनेस, चुभन, सूजन, भारीपन, ये सभी चीजें आपको लगती रहती है। तो ये कितना नॉर्मल है? फ्रेंड्स, ब्रेस्ट में पेन होना और पीरियड आने के पहले होना नॉर्मल होता है, जो कि इंडिकेशन देता है कि आपका पीरियड आने वाला है, इसलिए आपके ब्रेस्ट में इस तरह की सूजन या फिर दर्द आपको फील होता है। लेकिन जो दर्द होता है जैसे ही आपका पीरियड शुरू होता है, ये खत्म हो जाना चाहिए, ना ही उसमें किसी तरह की गांठ होनी चाहिए, ना ही दर्द होना चाहिए, ना ही रेडनेस, खुजली, सूजन, इन इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पीरियड खत्म होने के बाद भी आपके ब्रेस्ट में भारीपन रहता है या दर्द रहता है तो इसके कुछ कारण होते हैं जिनके कारण से आपको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि ब्रेस्ट के पैर के और क्या क्या कारण होते हैं जिनके कारण से आपको ये दर्द रहता है। ब्रेस्ट में किसी भी तरह का गांठ होना, सूजन होना या लगातार दर्द बना रहना, इस चीज को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो ब्रेस्ट कैंसर के केस जो है इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको इसमें चिंता भी नहीं करनी चाहिए कि अगर मुझे दर्द बना रहता है या मुझे दर्द है ही तो इस ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, नहीं, जरूरी नहीं है कि वो ब्रेस्ट कैंसर हो, इसके बहुत सारे और भी कारण होते हैं। इसलिए जरूरी है कि कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए, और इसीलिए मैं ये वीडियो अवेयरनेस के पर्पज से बनाती हूँ। तो इन वीडियो को जरूर देखा कीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए ग्रुप में महिलाओं को, ताकि उनको ये चीजें दिमाग में रहेंगी, अगर हमारी बॉडी में कोई चेंज हो रहा है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आज हम ब्रेस्ट की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ब्रेस्ट नॉर्मली तो हमारा एक टिश्यू से बना हुआ एक हिस्सा होता है जिसमें कि कुछ मिल्क डक्ट होते हैं। ये मिल्क डक्ट में कभी कभी लंग्स बन जाते हैं, फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं, या फिर अंदरूनी तौर पर किसी तरीके से चोट लग जाती है, या फिर कुछ और वजह से जो है हमारे ब्रेस्ट में सूजन आ जाती है। तो इससे क्या होता है, उस पर्टिकुलर जगह पर आपको ये दर्द फील होने लगता है। तो इनके होने के और क्या क्या कारण होते हैं, इनमें हम नॉर्मली अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने कहा हर महिला को होते हैं पीरियड के पहले, होने वाला दर्द, यानी जिसे हम साइक्लिक पेन कहते हैं, और ये हर महीने होता है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से नॉर्मल है। लेकिन इतना याद रखना है कि आपका पीरियड शुरू हो गया है तो ये पेन को खत्म हो जाना। अगर उसके बाद भी आपको ये पेन बना रहता है तो उसमें भी कुछ कॉमन कारण हो सकते हैं जिन पर आप ध्यान नहीं देते, जिसमें कि आपकी ब्रा हो सकती है जो कि आप गलत नंबर की या गलत साइज की पहन लेते हैं, और उनकी फिटिंग जो है सही नहीं होती। ब्रा का काम होता है आपके ब्रेस्ट को सपोर्ट करना और ज्यादा मिलने जुलने से बचाना। लेकिन 90% महिलाएं जो होती हैं ब्रा को गलत साइज में लेती हैं या गलत मटेरियल में ले लेती हैं, या अगर फैशनेबल ब्रा ले लेती हैं जिसके कारण स्टिचिंग या वायरिंग या फिर यहाँ पर जो जो ज्वाइंट करने के लिए प्लास्टिक के डिजाइन दिए होते हैं या छल्ले दिए होते हैं, उन कारण से वो लगातार उस एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेशर बढ़ता है और आपको उस पर्टिकुलर जगह पे दर्द रहने लगता है, और आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये हमें दर्द क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप जो है सही फिटिंग की ब्रा यूज करें, और हमेशा कॉटन की और आरामदायक ब्रा ही यूज करें। तो इससे एक प्रॉब्लम तो ये खत्म होती है। दूसरा, जिन लोगों का ब्रा का साइज गलत रहता है उन लोगों को यहाँ शोल्डर पर भी ये दर्द फील होता है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा कारण होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि स्ट्रेस जो है महिलाओं को रहता ही रहता है। स्ट्रेस इसलिए भी रहता है क्योंकि एक तो हर महिला वर्किंग हो गई है, दूसरे उसको फैमिली में भी सब कुछ मेंटेन करना है, बाजार का भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, आप जो वर्क कर रहे हैं उसका भी स्ट्रेस रहता है, उसको खुद के लिए अपने 2 मिनट नहीं मिलते हैं दिमाग को शांत रखने के लिए। तो स्ट्रेस को
और जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको ये दिक्कतें होती रहेंगी, क्योंकि स्ट्रेस से हमारे हॉर्मोन्स का लेवल गड़बड़ होता है, और जब हमारे हॉर्मोन्स का गड़बड़ होता है तो उसका जो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक हॉर्मोन का संबंध दूसरे हॉर्मोन से होता है, तो अगर आपका एक हॉर्मोन भी डिस्टर्ब होगा तो दूसरा डिस्टर्ब होगा, और इसी के कारण से आपको ब्रेस्ट में टेंडरनेस या फिर दर्द या सूजन महसूस होती है। कई बार हॉर्मोन जब प्रोलैक्टिन हो है उसका लेवल हाई हो जाता है, तो फिर आपको इन सब चीजों के साथ में मिल्क डिस्चार्ज होने लगता है। कई बार ये डिस्चार्ज व्हाइट कलर का होता है या पानी के जैसा होता है या हल्के येलो कलर का होता है, साथ में आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस रहती है और दर्द फील होता है, तो ये बहुत ही बड़ा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस को आप जितना रिलीव करेंगे, जितना आप अपने दिमाग को शांत रखेंगे, उतना ही अच्छा है। नेक्स्ट होता है नींद की कमी। नींद जो है महिलाओं की कभी पूरी नहीं होती है, अगर उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो उनको भरपूर नींद कभी मिल ही नहीं पाती। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी नींद एक अच्छे पर जरूर ध्यान दें। आपको जब टाइम मिलता है, जितना टाइम मिलता है, आप एक छोटी सी झपकी ले ले कि नींद भी बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस का और हॉर्मोन्स का। इसके बाद होता है कैफीन। अगर आप वर्किंग है या फिर आपको आदत है ज्यादा चाय कॉफी पीने की या ड्रिंक पीने की या स्मोक करने की, तो इसके कारण से भी आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस दर्द फील होता है, जो कि आपके पीरियड के अलावा भी रह सकता है। इसके अलावा होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कि आप लेती है, और ये भी हॉर्मोन्स की भी टेबलेट होती है, और इनके कारण से भी आपको ब्रेस्ट में पेन या दर्द फील होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जिन लोगों का हाई रहता है, तो ऐसी महिलाएं, अगर आपको वो हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है और आप मेडिसिन ले रही हैं, तो भी आपको ये ब्रेस्ट में दर्द फील होगा। ये दर्द आपको बना ही रहेगा चाहे आपका पीरियड आए या ना मैंने आए, बताया आपको ये सिस्ट दर्द या होता फाइब्रोइड। फाइब्रोसोमा, तो ये आपके ब्रेस्ट में किसी तरह की गांठ बन जाती है, या चोट के कारण, या दर्द के कारण, या बच्चे ने किसी ने मार दिया, या कैसे भी, तो यहाँ पर सिस्ट बन जाते हैं, तो उसके कारण से वो आपको दर्द दे सकते हैं। इसके अलावा होती है आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आप बहुत ज्यादा मसल्स पर दबाव देने वाली एक्टिविटी कर रहे हो, हाई डेंसिटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे भी आपको ये दर्द फील होता है। तो ये सभी कारण होते हैं, तो ये तो एक कॉमन कारण हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिम्टम्स की जो कि आप कभी भी इग्नोर नहीं करने, अगर आपको ये दिखाई दे रहे तो क्या होंगे, जैसे कि आपके ब्रेस्ट में दोनों के साइज जो है उनमें अचानक से अंतर आ जाना, निपल अंदर की तरफ धंसना, ब्रेस्ट से किसी तरह का डिस्चार्ज होना, या फिर आपको एक पर्टिकुलर एक ही जगह पर लगातार दर्द बना रहना, और ये दो दर्द है बढ़ते जाना, तो ये, या फिर उसकी स्किन जो है उस जगह की कलर चेंज हो जाना या उसका टेक्सचर चेंज हो जाना, इन चीजों को आपको कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। आप इससे बचने के उपाय क्या होंगे, अगर आपको बिना पीरियड के भी इस तरह का दर्द हो रहा है, तो जो कारण है उनको हटा दीजिए, इलाज हो जाएगा। जैसे कि आप ज्यादा हाई डेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत वाले काम करते हैं, तो उसको कम कीजिए, चाय कॉफी कैफीन इन सब चीजों को कम कीजिए। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह का घाव हो गया, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूर कराइए, क्योंकि आजकल शुगर की बीमारी, हाई बीपी की बीमारी, ये सब ज्यादा है, और इस कारण से जो भी घाव होता है वो कब किस रूप में बदल जाए, तो इसको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कीजिए। आप शिकायत कर सकते हैं, अगर आपको प्रेगनेंसी के बाद में दर्द होता है, प्रेगनेंसी के कारण से मिल्क डक्ट ब्लॉक हो जाती है, इस कारण से आपको गुठली सी बन जाती है, और ये बहुत ज्यादा दर्द करती है, तो आप गर्म सिकाई कर सकते हैं, उस जगह की मालिश कर सकते हैं, ताकि जो जो गांठें बनी है वो तो खुल जाए, और उनको जो डक्ट में मिल्क भर गया वो बाहर आ जाए, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा आइस पैक से भी सिकाई कर सकते हैं, जो कि आपको ब्रेस्ट में होने वाले दर्द से राहत। तो ये सभी चीजें हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये दिक्कतें हैं और इन्हीं के कारण से आपको ब्रेस्ट में पेन होता है। अगर आपको इनके अलावा भी ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिले, और बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमको बताइए, और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।